इसको परखने समझने वाला कोई नहीं। एक तरह से कहा जा सकता है कि दिस इज़ अ हार्वेस्ट ऑफ और अ खेती ऑफ मेडिटेशन ऑफ कॉन्टम्पलेशन। आजकल कितने लोग इसको समझेंगे, सब लोग दौड़ धूप में लगे हुए हैं, पैसा बंगला गाड़ी। हंसा चालो सतगुरु जी ने ना देश मां। सो शुरुआत होती है बरसात से, फिर वावणी होती है हरि के नाम की, फिर फसल मोतियों की जो मिलती है वो मैदान में पड़ी है लेकिन कोई लेने वाला नहीं। फिर कहते हैं इस उलट सुलट बाजार में तुम खुद सौदागर बन जाओ। और अंत में कहते हैं आवंत जावंत हरि ने ओढ़खो एमावार न फेर लगार। ये जो आज आ रहा है और जा रहा है ये हमारी सांस, इसी में हरि को खोजो। पर ये बहुत सूक्ष्म बात है। नॉट टू मेनी टेकर्स फॉर दिस काइंड ऑफ अध्यात्म। चित को झीना कातले मोहंगे मोल बिखाए। अपने चित को की बुनाई इतनी झीनी करो, इतनी महीन कि वो बहुत महंगे मोल पे बिके, लेकिन कौन है ग्राहक। चित को झीना काट दे मोहंगे मोल बिखाए। गाहक राजा राम है और ना नेड़े आए। हे जिरे और ना नेड़े आए। गाहक राजा राम है, ये बात आपके और आपके राम के बीच की है। Yeah.
जी।